जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजधानी फैमिली में। मैं भी आरी सर लेकर आया हूं आपके संस्कृत जब ट्यूशन भाग है आपका पहला, उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिएगा आपका जो सॉल्यूशन है संस्कृत का, देखिए पहला चैप्टर आपका है मंगलम। संस्कृत का जो ट्यूशन भाग है आपका, उसका पहला चैप्टर आपका क्या है? मंगलम है। तो मंगलम है, देखिएगा तो मंगलम का, मंगलम में आपके 5 श्लोक दिया गया है और उस 5 श्लोकों का अर्थ और श्लोकों को हम देखेंगे। तो आप लोग भी साथ ही साथ कॉपी निकाल लीजिएगा और साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ रखा गया है, 5 श्लोक दिया गया, 5ों का अर्थ भी हम बताएंगे और साथ ही साथ उसको हम समझाते चलेंगे, ठीक है। कहता है संस्कृत के रोगी यहाँ मिले, संस्कृत के जिनको लगता है कि रोग हो गया है, इलाज का समय उसका हो गया है, ठीक है। तो चलिए तो आपको हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर हमारा। देखिएगा पहला कह रहा है क्या, हिरणमय ने पात्र मुखम तत्म पुषम पाविनम सत्म धर्माया दृष्ट है, ठीक है। पढ़िएगा हिरणमयन पात्रेन सतस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण पाविर्णु सत्म धर्माया दृष्ट है। देखिए यह था आपका अश्लोक, इसका जो अर्थ होता है विद्यार्थी, इसका अर्थ होता है हे सूर्य सत्य का जो मुख है सोने यानी स्वर्ण के आवरण से ढक्कन यानी से बंद है, ढक्कन से बंद है, इसलिए सत और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटा दे, उस आवरण को हटा दे। चलिए ठीक है, कह रहा है क्या, आवरण ढक्कन से बंद है इसलिए सत और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटा दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, दूसरे प्रश्न में हम बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है क्या, देखिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है अनोर नियान महतो महयान आत्मस जंतो निहतो गुहायाम तम कृत उपस्यति बीते सोके धातु प्रसाद नन्ही माना मात माना, ठीक है। पढ़िएगा अनोर नियान महतो महयान आत्मस जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादा नन्ही माना मात माना। इसका जो अर्थ होता है विद्यार्थी, इसका अर्थ होता है यह आत्मा, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो आत्मा है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, हमारा जो आत्मा है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। हमारे पास में जो आत्मा विद्यार्थी, वह प्राणी यानी हर प्राणी के हृदय में बसा हुआ है। करा यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी यह छोटा से भी छोटा है और विशाल से भी विशाल, यानी छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, ठीक है। करा कर्तव्यों कर्मों के बंधन से, करा अपने कर्तव्य और कर्मों के बंधन से शून्य विद्यमान पुरुष शोक रहित होकर ब्रह्मा को कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। कहता है क्या विद्यार्थी इसमें, देखिए कहता है, देखिएगा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है और बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। करा कर्तव्य, जो भी कर्तव्य और कर्म होता है सबको बंधन से जो शून्य विद्यमान होते हैं पुरुष शोक रहित, शोक रहित का अर्थ होता है विद्यार्थी अपने दुख को त्याग देना, ठीक है। अपने दुख सुख को सबको त्याग कर पूरे कर्तव्य और कर्म को सब कुछ छोड़कर होकर ब्रह्मा को कृपा से यानी भगवान की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला आपका श्लोक है विद्यार्थी, सत्यमेव जयते नानिर्तव सत्येन पंथा विततो देवयान एना क्रम आकृष्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्यम प्रानिधानम। तो देखिएगा पढ़िएगा सत्यमेव जयते नानिर्तव सत्येन पंथा विततो देवयान एना क्रम अत्यंश देखिएगा कहता किया, यहां पर कुछ नहीं विद्यार्थी, आधा ना है तो आ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंतरिष्यो अंतरिष्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, ठीक है। तो इसके अर्थ को हम देखते हैं, इसका अर्थ कहता है विद्यार्थी क्या, देखिएगा कहता है क्या, झूठ की जीत ना होकर, झूठ की जीत ना होकर हमेशा सत्य की जीत होती है। आप लोग भी जानते हैं कि सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता,
कहता झूठ की जीत ना होकर सत्य की ही सदा जीत होती है। करा देवलोक का मार्ग यानी देवलोक यानी जहां पे भगवान रहते हैं जिसे हम स्वर्ग भी बोल सकते हैं, करा देवलोक का जो मार्ग होता है सत्य से ही प्राप्त होता है। देवलोक अगर जाना है यानी सत्य की और भगवान के पास जाना है तो क्या होगा, कहता देवलोक का मार्ग कहां से निकलता है, सत्य से निकलता है। इसलिए लोगों को सत्य बोलना चाहिए। इसलिए मोक्ष के इच्छुक ऋषि लोग सत्य के कारण ही देवलोक जाते हैं जहां सत्य का खजाना है। कहता है क्या देखेगा, इसलिए मोक्ष, मोक्ष का मतलब ही होता है विद्यार्थी मृत्यु। मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मृत्यु, यानी भगवान के पास में जाकर मिल जाना है, भगवान से भेंट हो जाना मोक्ष प्राप्ति है। भगवान से भेंट हो जाना क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। तो कह रहा क्या देखेगा, इसलिए मोक्ष यानी कि भगवान से भेंट होने की इच्छुक ऋषि, जो भी इच्छुक ऋषि है कि भगवान से हमें भेंट करना है, करा लोग सत्य के कारण ही, यानी जो भी लोग हैं भगवान के से जो मिलना चाहते हैं उन्हें हमेशा सत्य का साथ रखना चाहिए। करा जो भी इच्छुक भगवान से मिलने लायक में जो इच्छुक हैं ऋषि लोग, वो हमेशा सत्य के कारण ही देवलोक जाते हैं जहां सत्य का खजाना है, जहां सत्य का खजाना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हम लोग अगला आपका कह रहा है क्या देखेगा, अगला कह रहा है यथा नदा अस्यद्य माना समुद्रे अस्तम। इसको पढ़ेंगे अस्तम, यहां पर इस जो डा टाइप आपको लिखा हुआ विद्यार्थी ये आ है, क्या है, आ अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यमान नाम रूपदा विमुक्ता कथा प्रातप्रम पुरुष मुमेपि दिव्यम। ठीक है, देखिए प्रातप्रम, ठीक है, प्रातप्रम पुरुष मुपेति दिव्यम। ठीक है, पढ़िएगा इसको, यथा नदा अस्मद्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपदा विमुक्ता प्रातत्परम पुरुष मुपेति दिव्यम। विद्यार्थी यह था आपका चौथा श्लोक। हम बढ़ते हैं, देखिए इसके अर्थ की ओर। इसका जो अर्थ है आपका विद्यार्थी देखिएगा, कहता है क्या, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, करा जिस प्रकार बहती हुई नदियां, बहुत सारी नदियां जो होती है अपने नाम को और रूप को छोड़कर दूसरे कहता छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्यमान पुरुष जो होते हैं अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो कहता है इसका कहने का अर्थ होगा कि जिस प्रकार हम जो नदी होती है, नदी कहीं किसी गांव से निकलते जाती है और अंत एक अपना नाम और रूप को छोड़कर वह समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्यमान पुरुष जो लोग होते हैं कहता है कि वो भी अपना जो नाम छोड़कर सर्वश्रेष्ठ कार्य करके कहता अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा कहता अगला प्रश्न हमारा, करा वेदा हेमतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रास्तता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्या पंथा विदिते अज्ञाना। ठीक है, अन्याय, ठीक है, अन्याय करा वेदा हेमतम, पढ़ेगा वेदा हेमतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसा प्रास्तता तमेव विदित्वती मृत्यु में थी नानिया पंथा विदते आयाना। ठीक है, आनाया। चलिए तो यह था आपका अश्लोक, इसके अर्थ को हम देखते हैं विद्यार्थी। तो कहता है क्या देखिएगा, विद्यमान पुरुष जानते हैं कि देखिएगा करा विद्यमान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप अर्थात अल्पज्ञ कम जानने वाला हूं। जो विद्वान लोग होते हैं विद्यार्थी, वह जानते हैं कि मैं कम जानने वाला हूं, उनके पास ज्ञान का भंडार है लेकिन फिर भी वह जानते हैं कि मैं कम जानने वाला हूं। तथा दूसरे विद्वान प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है, तथा जो दूसरे लोग हैं जो और भी विद्वान है वो जो दूसरे लोग हैं कहता है क्या, जो दूसरे लोग हैं विद्वान प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है, अपने आप को कम मान रहा है और दूसरे को ज्यादा मान रहा है। ठीक है, इस प्रकार के विचार को जानकर ही वो विद्वान पुरुष को वश में कर लेते हैं, मृत्यु को पार करके इसका अलग मार्ग नहीं है। कहता है क्या देखिएगा, विद्वान पुरुष जानते हैं
कि मैं अंधकार स्वरूप है, मतलब मुझे कम ज्ञान है, और जो दूसरे लोग हैं उनके पास प्रकाश स्वरूप है, यानी उनके पास अधिक ज्ञान है, ठीक है। इस प्रकार के विचार को जानकर, इस प्रकार के विचार को जानकर विद्वान पुरुष कथा विद्वान पुरुष को वो बस में कर लेते हैं, मतलब जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने आप को बस में कर लेते हैं, और मृत्यु को पार करने का इसका अलग मार्ग नहीं है। करा देखिएगा, अगर आप अपने आप को कम समझिएगा, दूसरों को अधिक समझिएगा, तो इसमें आप में थोड़ी सी और कमी आ जाएगी। अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बनाकर रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अगर गिरा दीजिएगा तो जो काम आप कर सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस आपसे हट जाएगा तो वो काम आपसे होने में थोड़ी सी परेशानियाँ होने लगेगी। इसलिए अपने काम को जो भी कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस बनाकर रहना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बढ़ते हैं। अगला कह रहा विद्यार्थी, वेदा हेमंत पुरुषम महांतम, ये तो लगता वही है जी। अच्छा वही है, ये तो हो गया ना, पांच हो गया। अच्छा चलिए, अच्छा ये डबल आ गया है। चलिए यानी कि देखिए, यह था आपका पांच प्रश्न था विद्यार्थी, जो आपका श्लोक है। अब इससे हम कुछ रिलेटेड आपको कुछ बातें बताते हैं। देखिएगा, यह हमारा जो पाठ था मंगलम, किसका पाठ था? मंगलम। मंगलम क्वेश्चन आपसे आता है विद्यार्थी कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? कितने मंत्र जी? कितने मंत्र? पांच। पांच को हम पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांच। यानी पांच मंत्र आपका मंगलम पाठ में संकलित है। उसके बाद पूछा जाता है कि मंगलम जो पाठ है कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? उपनिषद से। कहां से लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम पाठ जो है कहां से लिया गया है? उपनिषद से। तो हमने आपको बताया था उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कितनी है? अगर कहा जाए प्रमाणित उपनिषद कितनी है जी? प्रमाणित उपनिषद की संख्या 13 है। प्रमाणित उपनिषद की संख्या कितनी है? 13 है। और उपनिषद की संख्या 108 है, प्रमाणित की संख्या 13 है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ हमने आपको और भी बताया था वेद और वेदांग, वेद और वेदांग, और साथ ही साथ आपको हमने बताया था पुराण। क्या बताया था? पुराण। तो देखिएगा, वेद, वेदों की संख्या कितनी है जी? 4 है। तो कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में विद्यार्थी, ऋग्वेद में आपका क्या कहता है? मंत्रों और ऋषियों की चर्चा है, मंत्र और ऋषि की चर्चा है। यजुर्वेद की बात करें अगर हम, तो यजुर्वेद में आपका यज्ञ और क्या कहता है? यज्ञ और युद्ध की चर्चा, यज्ञ और युद्ध की चर्चा। सामवेद की बात करें तो सामवेद में आपका संगीत गान बजान का चर्चा किया गया, ठीक है। बचा अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण की चर्चा, ठीक है। जादू टोना डाइन कमाइन वाला कहानी सुनते होंगे आप लोग सब, किसमें पढ़ने की बात की जाती है? अथर्ववेद में की जाती है। उसके बाद विद्यार्थी आता है वेदांग, तो वेदांग की संख्या 6 होती है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त और व्याकरण, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, उपनिषद की संख्या 108 है, जो प्रमाणित में आएंगे तो 13 होगा, वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराण की संख्या 18। वो कहता है कि हमारा जो मंगलम पाठ है, इस मंगलम पाठ में आपको, मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए हैं। कितने मंत्र लिए गए हैं? 5। और मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, ठीक। कहां से लिया गया है? उपनिषद से, ठीक है। तो यह था विद्यार्थी आपका पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का आपका दिया गया है हमने पूरा श्लोक, और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी आपको बता दिया। और अगले वीडियो में हम आपका इसका ऑब्जेक्टिव और विथ सब्जेक्टिव, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव जो हुआ क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।